नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। राजस्थान की सियासत जिसमें कल से ही उठापटक चल रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन फिलहाल अशोक गहलोत के फेवर में। दरअसल सचिन पायलट का यह दावा था कि उनके साथ 30 विधायक हैं और 30 विधायकों का उनके पास समर्थन है। ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह भी कहा गया कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो वो दिल्ली से जयपुर जाए, लेकिन सचिन पायलट ने जाने से मना कर दिया। हालांकि आज मीडिया के सामने अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की परेड करवा दी। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के सीएम आवास पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें नंबर हालांकि अलग अलग आ रहे हैं। कोई वेबसाइट कह रहा है कि 106 विधायक शामिल हुए, कोई कह रहा है 109 शामिल हुए, किसी वेबसाइट का दावा है कि 102 शामिल हुए। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें लगभग 100 से ज़्यादा विधायक थे और अब इन विधायकों को जयपुर के अलग अलग रिसोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक इन्हें रिसोर्ट में ही रखा जाएगा। तो एक तरीके से राजस्थान में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने भी अब बातचीत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के लिए उन्होंने वापस सरकार में बने रहने के लिए कुछ शर्तें रखी। दरअसल सचिन पायलट ने यह कहा है कि उनके 4 करीबी विधायकों को मंत्री पद चाहिए। साथ ही सचिन पायलट ने खुद के लिए गृह और वित्त विभाग भी मांगा है, जो फिलहाल अभी अशोक गहलोत के पास है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि राजस्थान के वो प्रभारी बने रहेंगे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी वो काम करते रहेंगे। तो इन 3 शर्तों के साथ सचिन पायलट ने बातचीत शुरू कर दी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने अपना जादू दिखा दिया है और सचिन पायलट से अब बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि इस बातचीत के लिए प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाली है। मीडिएटर के तौर पर प्रियंका गांधी बात कर रही है। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब जयपुर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो लगातार बात करके इस विवाद को सुलझा लेंगे। रणदीप सुरजेवाला जो लगातार जयपुर में ही हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर परिवार में कोई दुखी है या नाराज चल रहा है तो उसे पूरा हक है अपनी बात कहने का। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूँ, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। हालांकि अगर सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से हट भी जाते तो भी अशोक गहलोत की सरकार गिरती हुई नजर तो राजस्थान में नहीं आ रही थी। हालांकि अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है उनकी सरकार के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है राजस्थान में उसमें यही कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सरकार बचाने में कामयाब हो गए।